फिर लगाना है तो याद आया कहाँ ले जाए, बुलेट तुमने कथा हो रही टांगे जल्दी है ये। तो संसार की जितने वस्तुएं हैं वे उनमें क्रमिक ह्रास होता है, पर भगवान की कथा ऐसी है, ये एपिटाइजर है, ये क्षुधा वर्धक है, इसमें ह्रास नहीं है, अभी तो उत्तरोत्तर विकास है। आप एक कथा सुन लोगे तो आपकी कथा की भूख बढ़ जाएगी, फिर आप कथा के बिना रह नहीं पाओगे। बस कोई पिए, जैसे जब भूख नहीं लगती ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही आजकल, तो एक एपिटाइजर नाम की दवा देता है, क्षुधा वर्धक, भूख को बढ़ाने वाली दवा। वैसे ये कथा ऐसी है पांडे जी, आपको लग रहा होगा कि बस एक बार हम सुन लें बस काम पूरा हो जाए, हमारा हमारे पितरों का कल्याण हो जाए और हमारा भी खाका पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर ईमानदारी से सुन लिया 7 दिन ना और 8वें दिन आपको तलब न लगी तो कहना आपको अजीब से बेचैनी है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से दवा तो अंदर जानी पड़ेगी। भूख वाली दवा लेने पर तो भूख लगती है ना, और ये भागवत भूख बढ़ाने वाली है, सुनने की भूख, भक्ति की भूख, कृष्ण की भूख, संसार से पार उतरने की भूख, जन कल्याण की भूख, ये सारी भूख बढ़ जाएगी आपकी, आप रह नहीं पाओगे। और जब श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, दवा अगर ईमानदारी से लिया जाए तो दवा का प्रभाव पड़ता है जीवन में, औषधि का प्रभाव पड़ता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम रघुभो रसिका भूमि भावका। अब नैमिषारण्य की पावन भूमि है, 88,000 महात्मा बैठे हैं और सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा बिल्कुल सुनाएंगे, क्या सुनना चाहते हैं? बोले पुंसामि कांततश्रेयस्तन्नः संसृतमर्हति अर्हसि। हे महात्मन, हम आपसे श्रेय जानना चाहते हैं, श्रेय माने कल्याण, संसार में सबसे श्रेय क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है, तीसरा प्रश्न है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, चौथा प्रश्न है कि कर्म क्या है, भगवान के कर्म क्या है, पांचवा प्रश्न है कि अवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं, और धर्म कम शरणं गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसके अवलंबन में रहता है। सूत स्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, इति संप्रश्न संहृष्ट प्राणां रौ महर्षिणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। संप्रश्नः, बहुत सुंदर प्रश्न किया, संप्रश्न, संप्रश्न क्या है, भगवत विषय प्रश्न को ही संप्रश्न कहते हैं। अधिकारी व्यक्ति के सामने सार्थक प्रश्न किया जाए उसी को संप्रश्न कहते हैं। अनधिकारी व्यक्ति से आप गधे के सामने कहो कि हमें जरा फिजिक्स की एक बुद्धि है हमारी सुलझा दो, तो गधा क्या कर सकता उसमें, एक तो बोल नहीं सकता, बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा, और फिजिक्स से भला क्या जाने। तो जो व्यक्ति जिस विषय का पारंगत हो उसी व्यक्ति के सामने जिज्ञासा की दृष्टि से विनम्रता पूर्वक जो प्रश्न किया जाए उसी का नाम संप्रश्न है। कई लोग आते हैं हमारे जैसे व्यक्ति के पास भी, थोड़ी देर बैठते हैं, 2-4 लाइनें कहते हैं कि अच्छा लग रहा है आपको सुनकर के, पूरी प्रशंसा की, और उसके बाद कहते हैं महाराज क्या लगता है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या मैं उपयुक्त पात्र हूं इस प्रश्न के लिए, क्या उपयुक्त स्थान है ये प्रश्न के लिए, मैं किसी पार्टी के लिए काम करता हूं या मुझे राजनीतिक विषय का पठन पाठन मैंने किया है। किसी आचार्य विद्वान के पास जाओ तो अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी दिनचर्या, अपने को कैसे हम एक आदर्श जीवन में ढाल सके, इस तीन विषयों पर प्रश्न होना चाहिए। हनुमत चरित्र के बारे में, भरत चरित्र के बारे में, एक ही अम्बा के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, कुंती के बारे में, द्रौपदी के बारे में, ये प्रश्न हमसे करो तो हम उत्तर देंगे। पर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है ना, हम विषयों पर ध्यान रखते हैं। तो संप्रश्न, संप्रश्न वो है, और सही बात तो यह है कि प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान की स्मृति हो जाए, संसार की विस्मृति करा करके भगवान की स्मृति करा दे, प्रश्न वही है। संसार के में जो दुख है, जो दिन कष्टों से घिरे हुए, थोड़ी देर के लिए हम किसी महापुरुष के चरणों में जाएं और ऐसा प्रश्न करें और ऐसा उत्तर मिले कि जो हमारी समस्या है उसको हम भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए तो जीवन में आनंद का अनुभव करें।
कौन यहाँ बैठा है जिसके जीवन में समस्या नहीं है, जिसके जीवन में तनाव नहीं है, किसके जीवन की गुत्थियां उलझी नहीं है। लेकिन अगर हम वही भी यहाँ भी करें, यहाँ भी अगर हम वो भूल करके आनंद का अनुभव न दे सके आपको, अथवा आप न पा सको, तो आपके यहाँ आने का औचित्य क्या रह जाए। यहाँ तो आप आनंद ढूंढने आए हो, बाकी तो वहां तो झेल ही रहे हो, कर ही रहे हो जैसे तैसे। यहाँ तो परमानंद की अनुभूति करने बैठे हैं आप। तो समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है हम आपसे जानना चाहते हैं। प्रतिपूज्यवतस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। अब उनकी जय जयकार की आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, अब मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा सुनाऊंगा तो पहले अपने गुरुदेव के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। तो अपने गुरु जी की वंदना की। यम प्रजंत मनोपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरजा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मेरे गुरुजी का नाम है श्री सुखदेव जी, जो सिद्ध संत है। क्या है? सिद्ध संत है। सिद्ध का मतलब जन्म सिद्ध संत है, जन्म सिद्ध संत। कल श्लोक की व्याख्या हुई थी, पैदा होते ही जंगल चले गए थे। ध्यान रहे, माया का जिस पर प्रभाव नहीं है, जो समाधि में बैठ करके भगवान नाम का भगवत स्वरूप का स्मरण करने वाले हैं, पुत्रेति तन्मयतया ऐसे सुख स्वामी के चरणों में आन तो उसमी में प्रणाम कर रहा हूं। फिर कहा अब तो सुनाओगे, अब तो जो हमने पूछा उत्तर दोगे। एक श्लोक में अपने गुरु जी को और प्रणाम कर ले। प्रणाम करने से मन नहीं भरना चाहिए, जिसका मन प्रणाम करने से भर जाए उससे बड़ा कोई अभागा नहीं है। आचार्य विद्वान श्रेष्ठ माता पिता जितनी बार दिख जाए उतनी बार प्रणाम करना चाहिए। अभी अभी दिखे थे, अभी अभी फिर दिख जाए तो फिर प्रणाम कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। संतों का आशीर्वाद, विप्रों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो महाराज दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिणत। अब मेरे पास समय है नहीं, मैं प्रणाम करने का जो प्रतिफल है मैं आपको सुना दूंगा, कहीं आगे चर्चा आएगी तो सुना दूंगा। केवल प्रणाम किया और परिस्थिति बदल गई। बोले भक्त भक्त किसका बालक भाई सच्चिदानंद भगवान की। प्रणाम करने से परिणाम बदल गया। सुना नहीं सुना तो पता नहीं, आगे मैं भूल जाऊं तो नहीं सुनूंगा। महाभारत में एक दिन भीष्म पितामह ने संकल्प कर लिया था कि प्रातः काल में पांडवों को मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। पांडव शिविर में चिंता की परिस्थितियां बन गई, शोक की लहर में डूब गया पांडव शिविर। द्रौपदी मुस्कुरा रही, किसी ने पूछा भीष्म पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा है, अटल प्रतिज्ञा है, पांडवों को उसका समूल नाश कर देंगे कल वे। उन्होंने कहा है कि मैं मार दूंगा। द्रौपदी ने कहा एक तो उन्होंने क्या कहा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो विश्वास कृष्ण पर है, कृष्ण है, उनकी जैसी इच्छा, मैं तो पूर्ण रूप से उन पर समर्पित हूं। भगवान ने क्या किया पता है? जब युद्ध विराम हो गया था रात में तो पांचाली से कहा, द्रुपद तनया द्रौपदी से कहा, यज्ञ समत भूता द्रौपदी से कहा, चलो कहां चलें? बोले हमको कौरवों की छावनी में चलना है। तो कैसे चलें? बोले लंबा घूंघट कर लो जिससे तुम्हें कोई पहचान न पाए। द्रौपदी ने घूंघट कर लिया, पर जूतियों से पहचानी जाती है, इसलिए भगवान ने कहा अपनी जूतियां उतार दो। भगवान देखिए क्या कर रहे हैं, भक्तों के लिए क्या क्या कर लेते हैं भगवान, तो जूतियां उतार दो। भगवान ने द्रौपदी की जूतियां उतरवा ली और अपने पीतांबर में लपेट के कांख में दबा लिया। बोले अब चलो कोई पहचान नहीं पाएगा। लेके गए भीष्म पितामह, ध्यानस्थ थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। भीष्म पितामह की कुटिया के बाहर भगवान खड़े होकर कहे जाओ प्रणाम करो, कुछ बोलना मत। पायल की आवाज आई खन खन खन, कमर की किंकड़ी बज रही है, हाथ की चूड़ियां बज रही है, नूपुर बज रहे हैं। तो भीष्म पितामह की आंखें बंद थीं, वे समझ गए कि कोई सौभाग्यशाली स्त्री आई है, और आंख बंद बंद में ही आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जब आंखें खोली तो द्रौपदी सामने, भगवान बाहर खड़े हैं। भीष्म पितामह आश्चर्य से भर गए। बोले द्रौपदी ने कहा पितामह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? आपने कहा है कि पांडवों के निगम मैं उनका समूलों मूल नाश कर दूंगा, और इधर कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव, दोनों बातों में सामंजस्य कैसे बिठाओगे?
भीष्म पितामह बड़े अनुभवी हैं, उन्होंने कहा तुम यहाँ आई नहीं हो, तुम यहाँ लाई गई हो। कौन लाया तुम्हें? मैं जानता हूं ना, तुम स्वयं चल करके नहीं आई हो, जिसकी रक्षा कृष्ण करे उसका कौन अमंगल कर सकता है। दौड़े बाहर तो भगवान पीत पीतांबर पहने हुए, मंद मुस्कुराते हुए, अपने नेत्रों से अकारण करुणा करते हुए भीष्म की कुटिया के बाहर द्वारिकाधीश नंदवन में मुस्कुराते हुए खड़े। भीष्म पितामह बद्धांजलि हो गए, केशव जिसकी तो रक्षा तुम करो उसका कौन का मंगल कर सकता है। तो भगवान ने प्रणाम करके परिणाम बदलता है, अश्रु बिंदु गिरता है, भगवान उसी में निवास करते हैं। जिन नैनों से नीर बहा करता, उन नैनों में राम रमा करता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद शास्त्र लिखना है तो बिना सरस्वती की कृपा के कहां संभव है, इसलिए देवी सरस्वती भगवती वीणापाणी पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी भगवती वाग देवी के चरणों में अपनी प्रणति को निवेदन किया है। फिर व्यास जी को, क्योंकि रचना तो व्यास जी की है, यही उन्हीं की रचना सुनानी है, इसलिए व्यासम, व्यास भी भगवान के अवतार है, उनको किया। ततो जयमुदीरये, फिर समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराना। भागवत जी का एक नाम है जय, ये क्या करती है? जय दिला देती है। तो किस पर जय दिला देती है, ये भी प्रश्न है। तो भागवत जी जो सुनता है वह अपने क्रोध पर जय प्राप्त कर लेता है, अपने लोभ पर जय प्राप्त कर लेता है, अपने मोह पर जय प्राप्त कर लेता है, अपनी तृष्णा पर जय प्राप्त कर लेता है, अपने पर जय प्राप्त कर लेता है, और जो अपने पर जय प्राप्त कर ले असली विजयी वही है। दूसरों पर जय प्राप्त करना बड़ा सरल साधन है, बाहर के शत्रु को बस में कर लेना बहुत सामान्य बात है, पर अंदर के शत्रु को जो अपने वश में कर ले वही महान विजयी है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, भगवान के सबसे छोटे भाई हैं शत्रुघ्न। आप कहीं पढ़ोगे वो कहीं लड़ाई उनका नाम कहीं आता है? राम जी तो लड़े हैं, लक्ष्मण जी तो लड़े हैं, पर शत्रुघ्न शत्रुओं को जीतने वाले हैं। कौन? शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं। तो वो कहीं लड़े, आपको कहीं पे लड़ाई का प्रसंग है? क्योंकि वे बाहर के शत्रु पर नहीं, वे अंदर के शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिए। भगवान राम ने तो बाह्य शत्रु पर विजय प्राप्त किया, पर श्री छोटे भैया छोटे सरकार शत्रुघ्न भैया ने महाराज अंदर के शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए वह नित्य शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, शत्रुघ्न भैया जो अपने अंतकरण में विराजमान रिपुओं को शत्रुओं को हरियों को अपने वश में कर ले, उन्हीं का नाम शत्रुघ्न है। तो ये श्रीमद् भागवत जी आपको शत्रुघ्न बनाने वाली है। क्या है? शत्रुघ्न बनाने वाली है, आपके अंतकरण के जो विकार हैं उन पर विजय प्राप्त कर। इसलिए भागवत जी का एक नाम जय है। क्या नाम है? जय। कोई पूछे आजकल पांडे परिवार में कौन सी कथा चल रही है, जय की कथा चल रही है। ततो जय मुदीरयेत्, कल से हम भागवत जी के कई नाम आपको बताए, अब आपको याद ना हो तो आपकी आप भूल जाओ, क्या आपका हर्जाना, हम क्या करें। भागवत जी का नाम शुभ शास्त्र है, भागवत जी का नाम अध्यात्म दीप है, भागवत जी का नाम जय है। भागवत जी तो है ही है, भागवत जी के तो कितने नाम है श्रीमद् भागवत जी में। अभी अभी और प्रसंग आएगा, मैं कितने भगवान भागवत जी के नाम बताऊंगा आपको, कम से कम 2-4-5 नाम 10 नाम तो आपको याद होने चाहिए। हैं? अपने लिए मत याद करो, हमारे लिए याद कर लो, हमारे लिए याद कर लो। 2-4 नाम लोगे तो बहुत लोग पूछेंगे कहाँ सुने, तो बताओगे पंडित पर सुने, पूछेंगे कौन सुनाया, हमारा नाम बताओ, हमारी दाल रोटी आगे बढ़ेगी, काहे चिंता, इसका ध्यान रखो थोड़ा सा। बोल भक्त वत्सल भगवान की, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अब वो कह रहे हैं कि देखो एक बात करें, भक्ति जो है ना वो स्त्री रूपा है। भक्ति क्या है? स्त्री रूपा है। भक्ति भक्ति आई, भक्ति हुई, भक्ति माने स्त्री, भक्ति स्त्री भावापन्न है, तो स्त्री का तो विवाह होना चाहिए ना, तो भक्ति का ब्याह भगवान से कर दो। भक्ति का विवाह किससे कर दो? भगवान से कर दो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, आयोजित कर दो, आयोजित करो, अपने हृदय में एक मंडप बनाओ, विवाह मंडप, और आपके हृदय की जो भक्ति है उसका गठजोड़ा भगवान से कर दो, बांध दो। विवाह में क्या किया जाता है? दुल्हा दुल्हन को बांध दिया जाता है, रस्सी में नहीं बांधा जाता है, उसमें बांधा जाता है, किसमें?
किसमें बात है? चुनरी और गठजोड़े में हमारा अभी तो तात्कालिक अनुभव है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इनका ब्याह व्यक्ति कुछ दिन पहले हुआ इसलिए प्रायोगिक अनुभव बता रहे हैं, तुरंत बोल पड़े। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी व्रत का मंगलवार का तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भक्ति और भगवान, भक्ति को सदैव भगवान से ही बांधो तो ही आपका कल्याण है। अगर किसी व्यक्ति की भक्ति करने लग जाओगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम अपनी भक्ति रूपी कन्या को किसी अरे गहरे के चरणों में न समर्पित कर दें। जिस अनुसार कन्या हो उसी अनुसार तो वर होना चाहिए। वैसे भक्त रूपी कन्या का अगर कोई श्रेष्ठ वर है तो भगवान है। और आजकल लोग व्यक्ति की भक्ति करने लग जाते हैं, सामान्य लोगों की भक्ति करने लग जाते हैं, हरे गहरे की भक्ति करने लग जाते हैं, तो ये कन्या का भी अपमान है और उससे कोई परिणाम भी आने वाला है नहीं। इसलिए वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। तो विवाह होने के बाद क्या होता है? विवाह होने के बाद क्या होता है? संतानें होती हैं। तो भगवान के साथ अगर भक्ति का विवाह कर दोगे तो दो संतानें पैदा होंगी। जनयत्याशु, आशु जनयति। आशु माने आशु शब्द से को अभिप्राय है। आशु माने शीघ्र, आशु माने शीघ्र। आशुतोष, भगवान शंकर का नाम आशुतोष है। शीघ्रं तुष्यति इति आशुतोष, आशु जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उन्हीं का नाम आशुतोष है। तो आशु माने क्या है? जल्दी। और जनयति माने जन्म देती है। विवाह के बाद जल्दी ही जन्म हो जाता है, जल्दी ही जन्म हो जाते हैं। तो कौन कौन जन्म लेता है? भगवान भक्ति का जब भगवान से विवाह हो जाता है तो महाराज दो पुत्र पैदा होते हैं, दो पुत्र पैदा होते हैं। क्या क्या नाम है उनका? जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यदहैतुकम्। ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्र उत्पन्न होते हैं। जब भक्ति भगवान से होगी तो कौन पुत्र उत्पन्न होंगे? ज्ञान और वैराग्य। यही आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धर्मस्वनिष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम्। देखो एक बात तो आप जान लो, आपको कैसा पता चलेगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कई बार हमसे लोग आके पूछते हैं, महाराज जी हम पूजा कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारा पूजा घर देख लीजिए, अपने बारे में बताते हैं कि मैं ऐसे उठता हूँ, ऐसे बैठता हूँ, ऐसा पाठ करता हूँ, ये मेरी दिनचर्या है, ये ठीक है कि नहीं है? तो हम उनको एक ही सूत्र देते हैं, जो उनको बताते हैं वही आपको बता रहे हैं। और अकाट्य सूत्र है, इस सूत्र की कोई तुलना है नहीं, इस सूत्र की कोई तुलना है नहीं। देखो एक बात आप जान लो, जितने लोग बैठे हैं और जो आपके जीवन में आए उनको यह बात बताइएगा, अगर आपकी पूजा ठीक है या नहीं है इसको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका श्राद्ध करना, आपका तीर्थ करना, आपका जप करना, आपका तप करना, आपका पाठ करना ठीक है तो उसका प्रतिफल यह होना चाहिए कि भगवान की कथा में आपको प्रीति उत्पन्न हो जाए। अगर सब कुछ करने पर भगवान की कथा में प्रेम नहीं हो रहा है, आपका मन भगवान की कथा में नहीं लग रहा है, इसका मतलब जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। इसका मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं धर्मस्वनिष्ठितं पुंसां विश्वक्सेन कथा सुयः। विश्वक्सेन भगवान नारायण की कथा में अगर मन नहीं लग रहा है इसका मतलब जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक नहीं कर रहे। अगर मन लग रहा है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, समझ जाओ जो कुछ कर रहे हैं हम ठीक हो रहा है, हमारा दिनचर्या ठीक है, हम ठीक माला फेर रहे हैं, ठीक जप हो रहा है, ठीक तप हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि अब कभी कुछ गुंजाइश है ठीक करने की, ठीक है कि नहीं? ठीक है। बोले भक्तवत्सल भगवान की नोत्पादयेद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम्। श्रम एव हि केवलम्, रतिं उत्पादयति सभी पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षरे। जीवन का परम धर्म यही है कि भगवान के चरणों में उसको प्रेम मिल जाए। तो यही तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है, सभी पुंसां परो धर्मः कृष्ण भक्ति परम श्रेयः। भगवान की भक्ति ही आपका परम कल्याण कर सकती है। इसके अलावा जो कुछ है वह प्रिय है। श्रेय और प्रेम क्या अंतर है जानते हैं? प्रिय माने
कल अच्छा नहीं था, आज अच्छा है, कल अच्छा नहीं होगा। लेकिन श्रेय माने कल भी कल्याणकारी था, आज भी कल्याणकारी है, आगे भी कल्याणकारी होगा। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे एक कालखंड में सुख देती हैं, एक कालखंड में दुख देती हैं। अब जो स्वेटर आनंद दे रहे हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया जैकेट, बढ़िया बढ़िया शॉल ओढ़े बैठे पहन रहे हैं, लेकिन दो महीना बाद क्या, एक महीना बाद ये सुख देंगे हैं? पर जो पंखे अभी दुख दे रहे हैं वही सुख देने लगेंगे। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, बताओ चना अच्छा है लेकिन पैदा होते ही किसी बच्चे के मुंह में एक मुट्ठा चना डाल दिया जाए, एक मुट्ठी चना डाल दिया जाए, हो गया कल्याण उसका। लेकिन आज दांत अच्छे हैं तो चकाचक ठंडी में आनंद ले रहे हैं, लेकिन फिर 95 साल के हो जाए फिर मुट्ठा भर चना डाल दिया जाए मुख में है? तो ये जितने वस्तुएं हैं, आप सब ऐसी जितनी वस्तुएं आपको नजर में आए सबके बारे में सोचिए, वे कभी तो सुख देती हैं पर कभी दुख देती हैं। पर भगवान की भक्ति के बारे में विचार करिएगा, भगवान की भक्ति के बारे में विचार करिएगा, वह कल भी हितकारी थी, आज भी हितकारी है, कल भी हितकारी होगी, यहाँ भी हितकारी है और वहां भी हितकारी होगी। बाकी संसार की जितनी वस्तुएं हैं केवल यहाँ सुख देंगे, बाकी वही यही रह जाएंगे। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। संसार धोखा खाएगा।
निचोड़ यही कि भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए। जो कुछ कर रहे हैं इसका प्रतिफल यह है कि भगवान के चरणों में हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाए। सबका मूल उद्देश्य यही है। अगर उद्देश्य की ही प्राप्ति नहीं हुई तो करने का मतलब क्या निकलेगा। इसलिए धर्म और श्रम में अंतर समझना चाहिए। धर्म किसको कहते हैं, श्रम किसको कहते हैं। आजकल लोग धर्म को भी श्रम मान करके कर रहे हैं, मेहनत कर रहे मान में कि हाँ बस कमर तोड़ मेहनत कर देनी है। श्रम और धर्म में अंतर है। आप डिफिनेशन जानना चाहोगे तो यह है, जिससे बाह्य वस्तु का निर्माण हो उसको श्रम कहते हैं, जिससे हृदय का निर्माण हो उसको धर्म कहते हैं। जिस ऊर्जा के लगने से बाहरी वस्तु का निर्माण हो, घर बने, गाड़ी बने, बंगला बने, उसको श्रम कहते हैं। पर जो अंदर के वस्तु का निर्माण करे, हृदय मंदिर का भवन निर्माण हो, उसको धर्म कहते हैं। धर्म स्वनिष्ठत पुंशाम विस्तुक से कथा सुय। तो समस्त शास्त्रों का यही लक्ष्य है। वेद से लेकर के और हनुमान चालीसा तक सबका मूल उद्देश्य है कि भगवत चरणों का प्रेम से प्राप्त हो जाए। भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं है। भक्ति और प्रेम अलग अलग वस्तु नहीं है। प्रेम माने ही भक्ति, भक्ति माने ही प्रेम, विशुद्ध प्रेम। अबे इसका और अंतर आपको आगे आगे के दिनों में पता चलता रहेगा। भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान प्रयोजनम सतो रक्षा, सत्य की रक्षा करने के लिए। भगवान के कर्म क्या है, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन पोषण करना, संहार कर देना, ये सब भगवान के लक्ष्य कर्म है। पर मनुष्य के का जीवन क्यों मिला है, यह अगर प्रश्न किया जाए तो हमें भोगों के लिए नहीं मिला है। यह जीवन हमें तत्व की को जानने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर यह प्रश्न है तो इसका उत्तर है कि जीव तत्व को जान जाए। तो उस तत्व को जानने के साधन क्या है, श्रोतव्य, भगवान को सुनो, कहो, ध्यान करो, पूजन करो, उसका सब तत्व जान जाओगे। श्रोतव्य, सुनते सुनते सब समझ में आ जाता है। सुनोगे ही नहीं तो कभी समझ में आएगा नहीं। इसलिए सुनते रहो, सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। तो उनको उस तत्व को कैसे हम जाने, भले वदन्ति तत्तत्व विदस्त तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो विद्वान लोग हैं उस तत्व को विभिन्न नामों से जानते हैं। एकम सर्वप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य तत्व को विद्वान लोग बहुत प्रकार से कहते हैं। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। पंचरात्र के आगम, पंचरात्र आगम के उपासक उन्हीं को भगवान कहते हैं। जिनको ब्रह्म परमात्मा, उन्हीं को क्या कहा गया, भगवान, भगवान की शक्ति। इसलिए उन्हीं का श्रवण करो, उन्हीं की कथा से आपके अंतकरण के सारे अभद्र तत्व समाप्त हो जाएंगे, भद्र तत्व उत्पन्न हो जाएंगे। हृद्यंतस्थो भद्राणि विघ्नोति सुहृत् सताम। इसलिए भगवान की कथा में रुचि करो। तो वे भगवान को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, पर उनकी कोई आकृति भी तो होगी। हम लोग आकृति से कैसे जाने उनको कि उनकी आकृति क्या है। नाम तो बता दिया आपने, उनको परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, पर आकृति क्या है। भले अपने तीन गुणों से वे तीन आकृति धारण करते हैं, अपने तमोगुण से वे शंकर बनते हैं, रजोगुण से वे ब्रह्मा बनते हैं, और सत्व गुण से वे विष्णु बनते हैं। कि भगवान में तीन गुण, तीन अवतार होते हैं। भगवान विष्णु में सत्व गुण है, ब्रह्मा जी में रजोगुण है, और शंकर जी में तमोगुण है। सत्व शिव ज्ञान, सत्व विष्णु ज्ञान, सत्व गुण से विष्णु बनते हैं, उनमें ज्ञान तत्व की प्रधानता है। और रज तत्व से ब्रह्मा बनते हैं, उनमें ज्ञान तो है पर ज्ञान थोड़ा कम हो गया है, लोभ हो गया है। इसलिए लोभ के कारण ही तो व्यक्ति प्रवृत्त होता है कर्म में। बिना लोभ के कोई प्रवृत्त होता है, बिना कुछ मिले कोई भी काम करता है। सबकी कुछ न कुछ लोभ की आस है। संसार में जितने लोग भी जो कुछ कर रहे हैं, भले वह आध्यात्मिक लोभ हो, सात्विक लोभ है, पर लोभ तो सभी को है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें लोभ की वृत्ति ना हो, जो कह दे कि मैं निर्लोभी हूं। अगर वह कुछ भी कर रहा है, भले वो माले जप रहा है, लेकिन कुछ तो लोभ है कि नहीं। भगवान की कृपा मिल जाए, भक्ति मिल जाए, कुछ तो लोभ है। बिना लोभ के संसार में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। एक चींटी भी अगर यहां से वहां जाती है ना, गति करती है, प्रवृत्ति करती है, तो उसमें भी लोभ की वृत्ति बैठी है। हो सकता है कुछ चखने को मिल जाए। एक पक्षी भी अगर यहां से वहां जाता है तो उसमें कुछ लोभ की भावना है।
हाँ वो सात्विक भी हो सकता है, तामसिक भी होता है, रजोगुणी लोग भी होते हैं, तमोगुणी भी लोग होते हैं, सात्विक लोग भी होते हैं, सात्विक लोग भी हैं, भगवान शंकर का भी नाम है। फिर सोचते हैं कि अधिकारी भगवान का नाम लेना, दर्शन हो जाए तो स्पर्श मिल जाए, स्पर्श मिल जाए तो अंग संग मिल जाए, अंग संग मिल जाए तो साथ नाच ले। कौन नहीं चाहता है भगवान के सन्निकट आपन दारुण दीनता सबे कहो समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। अपने हृदय की दाहकता को समाप्त करने के लिए भरत जी जैसे निर्लोभी लोग भी लोभ करते हैं। वे कहते अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मैं धर्म नहीं चाहता, अर्थ नहीं चाहता, काम नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, लेकिन जन्म जन्म रति राम पद राम चरणों का प्रेम चाहता हूँ। यह भी एक लोभ है, पवित्र लोभ है। तो भगवान विष्णु में विशुद्ध ज्ञान है, ब्रह्मा जी में ज्ञान और लोभ दोनों है, और भगवान शंकर में ज्ञान भी है, लोभ की प्रवृत्ति और संहार तत्व भी उनमें विराजमान है। इसलिए वे तीन रूपों में अवतरित होते हैं। पर सप्तम रजस तमस प्रकृतिर गुणांस्तैर युक्ताः परः पुरुष एक इहाय भक्ते, एक ही पुरुष तीन अवतारों में समवतरित होता है, ब्रह्मा विष्णु के रूप में। पर हमें क्या करना चाहिए? भले श्रेयां सितत्र खलु सत्व तयोर नाम सिर। जीव अपना अगर परम कल्याण चाहे तो जो सत्व तत्व से उत्पन्न होते हैं हुए हैं उन्हीं की शरणागति स्वीकार करे। तो सत्व तत्व से कौन उत्पन्न हुआ? भगवान विष्णु उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं की शरणागति स्वीकार करो, उन्हीं से आपका परम कल्याण होगा। फिर उन्होंने पूछा महाराज भगवान के कितने अवतार हैं? ये तो तीन तो आपने बता दिए, क्या और भी अवतार लेते हैं? बोले वे लेते रहते हैं अवतार, बहुत प्रकार के अवतार लेते रहते हैं, भगवान आते रहते हैं। अवतारों की बड़ी चर्चा है, अवतारों में व्यूहावतार, विभु अवतार, अंतर्यामी अवतार, अर्चावतार, आवेशावतार, मुख्य अवतार, गौड़ अवतार, शक्ति अवतार, विभूति अवतार, बड़े बड़े पूर्णावतार, कला अवतार, भगवान बहुत प्रकार से आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभी थोड़े समय के लिए भी आते हैं, अल्पकालिक अवतार भी भगवान का होता है। नृसिंह का वध किया और हिरण्यकश्यप का वध किया और नृसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गया, नृसिंह भगवान अल्पकालिक अवतार था। मत्स्य अवतार अल्पकालिक है, रामावतार थोड़ा दीर्घकालिक है, कृष्णावतार दीर्घकालिक है। भागवत जी में तो रोज कोई ना कोई अवतार होता है, होता है कि नहीं होता? अब इसमें तो 24 अवतारों का वर्णन है, तो रोज ही कुछ ना दो चार अवतार होंगे। हाँ आज की कथा में भी एक दो अवतार होंगे, आज भी और रोज जन्म रहता है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि केवल चौथे दिन भगवान का जन्म होता है, वही दिन चले उस दिन कृष्ण का अवतार होता है, भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, कृष्ण जन्म की कथा सुनाई जाती है। पर भागवत जी में एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें किसी का अवतार न होता हो। कल भी तो भगवान का अवतार हुआ था कि नहीं? जब भक्ति ने सबके हृदय में आलोड़न किया तो जहाँ संकादिक महात्मा कथा कह रहे थे वही भगवान श्री हरि का दिव्य अवतार हो गया। भगवान पीत वस्त्रालंकार धारण किए हुए मनोहारी चितवन को लिए हुए प्रकट हो गए थे, क्यों हो गए? भागवत जी में ऐसा कोई दिन ही नहीं जिस दिन दो चार अवतार की कथा न हो, ध्यान रहे। इसलिए नित्य उत्सव है, नित्य आनंद है। तो भगवान के प्रमुख रूप से 24 अवतार हैं, 22 दो 24 अवतारों का वर्णन है, कहीं कहीं 22 24 दोनों पाठ है। तो अब आप उन अवतारों के बारे में सुनिए। भगवान का पहला अवतार सनत सनातन सनातन सनत कुमार के रूप में, सनकादिकों के रूप में, ये नित्य ब्रह्मचारी है, निवृत्ति परायण है, सदैव भगवान का भजन करते रहते हैं, इनकी अवस्था नहीं बढ़ती है, एक अवस्था में स्थिर रहते हैं, नित्य ब्रह्मचारी रहते हैं। भगवान का दूसरा अवतार वाराह नारायण के रूप में, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था और पृथ्वी को जल के ऊपर अवस्थित किया था, ये भगवान के दूसरे अवतार है वाराह नारायण, कपिल नारायण के रूप में। भगवान का छठा अवतार अत्रि के घर में दत्त के रूप में भगवान अवतरित हुए, अत्रि के बेटे हैं इसलिए आत्रेय हैं और उनका नाम दत्त है, तो दत्त और आत्रेय मिला दो क्या मिलेगा? दत्तात्रेय बन जाएगा, ये भगवान के भी अवतार है। भगवान का सातवां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ। हाँ एक रुचि नाम के प्रजापति थे जिनका विवाह आपूति नाम की कन्या से हुआ था, उनके घर भगवान यज्ञ के रूप में पैदा हुए, अकेले नहीं पैदा हुए, अपनी पत्नी को भी लेकर के आए, अकेले नहीं पति पत्नी दोनों साथ में पैदा हुए। महाराज आपको आश्चर्य होगा, पति का नाम पड़ा यज्ञ और पत्नी का नाम पड़ा दक्षिणा, पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। भगवान यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा,
यज्ञ से पत्नी, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणे से, जहाँ यज्ञ कराते हैं दक्षिणा देते हैं कि नहीं देते हैं, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं। पांडे की यह बात विशेष रूप से ध्यान दिया है, यज्ञ से पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। हाँ हाँ, पत्नी भी दक्षिणा, वैसे वामांगिनी कहा गया है, वामांगे च विभाति भूधर सुता, पत्नी वामांगिनी है, वाम भाग में बैठती है, लेकिन यज्ञ में पत्नी दाहिने बैठती है। दक्षिण में जो बैठे, वाम में जो बैठे वो वामा, और जो दक्षिण में बैठे उसी का नाम दक्षिणा, वाम में बैठे उसका नाम वामा, जो दक्षिण में बैठे उसका नाम दक्षिणा। इसलिए यज्ञादि में, पूजादि में पत्नी कहाँ बैठती है, यद्यपि वो वामांगिनी है, पत्नी का एक नाम है वामांगिनी। क्या है? वामांगिनी। यही कैमरा वाले से डर लगता नहीं, तुमको अंदर वाली बात भी बता दे, जब हमारा विवाह हुआ तो हमने वामांगिनी ही सेट किया था मोबाइल में, कोई जान न पावे कि देवी जी का फोन आ रहा, भूल भक्त भगवान, कितनी बात काट देना हुआ, नहीं तो हर जाना देना पड़ता है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो पत्नी वामांगिनी होती है, ये सब इनके लिए बता देता कि नया नया इनका ब्याह हुआ इसलिए हमको भी बता देते हैं। सच्चिदानंद भगवान की। तो भारत में भाभी तो भी नोट कर लो, कोई हर्ष नहीं। वामांगिनी शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, पत्नी क्या होती है वामांगिनी। श्रीमद रामचरित मानस में भवम भवानी की जहाँ स्तुति है, भव और भवानी की, वहां मानस में यद्यपि यस्यांगे लिखा है, पर जो पुरानी प्रति है मानस, रामचरित मानस की, उसमें वामांके लिखा है। वामांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योर सिद्ध्यादराट, सोयम भूति विभूति भूषण वरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा, श्री शंकर पातु माम। वामांके च विभाति भूधर सुता, वामांग पत्नी अंक में जब भी बैठेगी, अंक माने गोद होगा, अंक माने गोद होगा। देखो पत्नी को हमेशा अगर गोद में बैठा है तो हमेशा बाईं गोद में जो बैठे उसी का नाम पत्नी है। दाहिनी गोद में या तो पुत्री बैठ सकती है या तो बहू बैठ सकती है, बहू भी पुत्री के समान ही होती है। राम जी का जब विवाह संस्कार हुआ तो सीता जी बहुत छोटी थी, जब विदाई होकर के आई तो विदाई के बाद शाम को भी तो यहाँ विधियां होती है ना, पर इतनी छोटी थी कि उनको नींद आ गया, आलस्य को प्राप्त हो गई वे। तो महाराज दशरथ ने, अब महाराज दशरथ ने श्री किशोरी जी को अपनी दाहिनी गोद में बिठा करके पुत्री की तरह, और महाराज दशरथ ने जो कहा है कौशल्य, ये मेरी बहू नहीं मेरी पुत्री है, मैंने दशरथ जनक जी को वचनबद्धता दी है, मेरी वचन, मेरे वचन कभी झूठे न साबित हो जाए इसका तुम ध्यान रखना, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि तुम्हारी पुत्री को कभी पीड़ा कर लो। कितना वात्सल्य रहा होगा, क्या संबंध थे हमारे यहाँ, चाहे वह ससुर का संबंध हो चाहे वह सास का संबंध हो, एक एक पात्र इतनी गहराई पर बैठे हैं, लेकिन इनसे तो सीखना ही नहीं, हमें इनसे तो हमें कुछ सीखना ही नहीं, हमें सीखना कहा किससे है, कभी सास भी कभी बहुत ही सही हो, हमको सीखना है इन चलचित्रों से जिसमें जो व्यवहारिक में घटित नहीं हो सकता है। मैं सीरियल देखता नहीं हूँ लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है, क्या करें चलती नहीं है, जहां जहां वहां तो बैठना ही पड़ता है, समझ गए कि समझ गए, न चाहते हुए भी देखना पड़ता है। एक सीरियल में देख रहा था मैंने अनिच्छा पूर्वक मजबूरी में, उसमें सीरियल का नाम अनुपमा, अनुपमा ऐसा कुछ था, उसमें उसके दो बार तीन बार ब्याह हो गया फिर भी बच्चे साथ हैं, हमने कहा ये संभव कैसे, इतनी घटिया बात कैसे लोग दिखा सकते हैं, इतनी निम्न स्तरीय चरित्र को क्यों दिखाया जा रहा है, इससे हमारा समाज क्या सीखेगा, क्या पवित्र बनना है। और केवल तलाक 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 लिखने से संबंध थोड़ी हट जाएंगे, गायत्री सावित्री अग्नि ब्राह्मण गौ संकल्प तिथि वार नक्षत्र, कितनी विधियां कराई गई है जोड़ने के लिए, और जुड़ते समय इतनी विधि है, और तोड़ते समय, जोड़ते समय महाराज, जोड़ते समय मजबूत गठजोड़ा लगाया गया है,
और तोड़ते समय केवल आप सोचते हो कि सुई से एक धागा उधेड़ देंगे तो टूट जाएगा, ये संभव होने वाला है नहीं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो यह भगवान का जो यज्ञावतार है, जो अपनी पत्नी रक्षणा के रूप में समुदरित हुए, भगवान का सातवां अवतार है, भगवान का आठवां अवतार है ऋषभ देव के रूप में, नौवां अवतार पृथु के रूप में, जिन्होंने इस धरती का मंथन किया, पृथु के मथने के कारण इस धरती का नाम पृथ्वी है, दसवां अवतार मत्स्य के रूप में, ग्यारहवां अवतार पूर्व के रूप में, बारहवां अवतार धन्वंतरी के रूप में, भगवान धन्वंतरी बन करके देवताओं को अमृत मान कराए थे। किस दिन पिलाए थे जानते हैं? धन त्रयोदशी के, धन्वंतरी त्रयोदशी। और संसार के लोगों ने कुछ, हमारे राघवाचार्य स्वामी जी हैं, वो बढ़िया बात कही एक दिन, उन्होंने कहा कि संसार के लोग धन धन के मन में रहता है, तो धन्वंतरी त्रयोदशी को भी धन त्रयोदशी बना दिया। और उस दिन बर्तन खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? बर्तन खरीदते हैं। बर्तन खरीदने वाला कोई प्रसंग धन्वंतर त्रयोदशी वाले दिन है ही नहीं। उस दिन तो भगवान धन्वंतरी की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, उनके निमित्त षोडशोपचार पूजन करो, पंचोपचार पूजन करो, आरती करो, भोग लगाओ, प्रार्थना करो, खूब उनकी स्तुति करो, धन्वंतर स्तोत्र का पारायण करो। ये बर्तन खरीदने वाली परंपरा तो बहुत गड़बड़ चल गई है। ये तो किसी ने षड्यंत्र पूर्वक रॉन्ग नंबर लगा दिया हमारे खोपड़ी में, और अच्छा व्यापार लोगों का होता था। धन्वंतरी त्रयोदशी, कितने लोगों को भी पता भी नहीं होगा, धन तेरस, धन त्रयोदशी है, आज धन बरस रहा है, चलो कुछ खरीद लिया। नहीं होगा तो एक भगोने खरीद लाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं होता, कहीं पड़ा रहता है, कुछ भी खरीद लेते हैं और उससे हमें कोई लाभ होने वाला। उस दिन क्या करना चाहिए? अब आप लोग तो नहीं गड़बड़ करोगे ना, धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य की कामना। ये भगवान का बारहवां अवतार है। इसके बाद तेरहवां अवतार मोहिनी अवतार है, भगवान स्त्री बन करके आए, मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार भगवान ने क्यों धारण किया होगा? मोहिनी अवतार भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराने के लिए, ये देवताओं को अमृत पान कराना ही उद्देश्य है बस, कहीं एक उद्देश्य और है, वह क्या? मतलब स्त्रियों को नाराजगी न हो जाए, इसलिए भगवान ने कहा अभी तक जितने अवतार धारण किए सब पुरुष बने, एक बार स्त्री भी बन लिया था, नहीं तो इनकम्बेंसी हो जाएगी और ठीक बात नहीं है। इसलिए भगवान एक बार स्त्री भी बन गए मोहिनी के रूप में, सब अवतार तो पुरुषों के रूप में। यह बात जब आज मन में बात आई तो बहुत बढ़िया लगा है कि भगवान पुरुष ही नहीं बने हैं, भगवान तो स्त्री पुरुष से भेद से अलग है, पर स्त्री रूप भी धारण किया भगवान ने। अरे बढ़िया बात आपको, मेरे मन में बात आई, हमने कहीं कही नहीं है, भगवान स्त्री बने और देवताओं को अमृत पान कराया। सज्जनों विष पान तो हजार लोग करा सकते हैं, पर अमृत पान तो कोई स्त्री ही करा सकती है, वो माँ बन करके अपने आंचल से वो अमृत ही पिला सकती है, अमृत तो कोई सन्नारी ही पिला सकती है, बाकी तो विष कोई भी पी सकता है, कोई भी पिला सकता है, लेकिन अमृत पिलाने के लिए, अमृत जब पिलाना हुआ तो भगवान भी सन्नारी का रूप धारण करके आए, मोहिनी के रूप में आए। माँ तो अमृत ही परोसती है, माँ के हाथों में विष हो ही नहीं सकता है, ध्यान रहे, माँ का के हाथ का भोजन भी अमृत लगता है, पता है क्यों? क्योंकि माँ जिस धारा को, जिस अंतस्थल को स्पर्श करके भोजन बनाती है, शायद ही कोई बनाती है। माँ कभी अपने बच्चे के लिए कुपित होकर के भोजन नहीं बनाती, और क्रोध में कभी भोजन बनाना भी नहीं चाहती। किसी क्रोध में सने व्यक्ति के हाथ का भोजन कर लोगे ना, तो उसकी तरंगे आपके भोजन तक आएंगी और आपके मन पर उसका गहरा प्रभाव डालेगी। प्रसन्न होकर के भोजन, आयुर्वेद का सिद्धांत है, बहुत प्रसन्नता पूर्वक भोजन बनाना चाहिए, हो सके तो भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक भोजन बनाओ, और प्रसन्न स्वस्थ चित्त होकर के हाफयन ब्रह्मविश्वही, भगवान अपने आगे के चरित्रों में दिखाएंगे भी है, प्रसन्नतापूर्वक भोजन बनना चाहिए, प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना चाहिए, तभी स्वस्थ प्रसन्न चित्त आपका रहेगा। इसलिए क्रोध से भर करके कभी ऐसा काम नहीं। होटल में लोग बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, फिर भी कुछ कमी सी लगती है, कभी नहीं कहते हैं कि बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ रह जाता है, क्यों? क्योंकि वह प्रेम नहीं है ना उसमें, वह करना नहीं है ना, वह वात्सल्य नहीं है ना, वह मातृत्व भाव उसमें थोड़ी ना है,
कहता एज ए नौकर की तरह ट्रीट करता है, और कभी कभी तो मालिक ने अगर कह दिया कि आज कस्टमर ज्यादा बन गए तो जल भर करके भी बनाता होगा, स्नान नहीं किया रहता है, अशुद्ध रहता है, अपवित्र रहता है, पता नहीं कैसे गंदे विचार उसके मन में उठते रहते हैं। हो सकता है आपको भी कोस रहा हो, कभी नहीं आता है, आज ही आना था इसको, आज मुझे घर जाने की जल्दी थी, कोसता होगा। तो ऐसे कुत्सित भाव से जब भोजन बनेगा तो इसका कहां हमारे चित्त पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए मोहिनी अवतार, मातृत्व भरा अवतार है ये, भगवान ने अमृत पान कराया, इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि माँ ही, स्त्री ही, एक सन्नारी ही आपको अमृत का परिवेषण कर सकती है, अमृत आपको पिला सकती है। और सत्य है ये प्रसाद अमृत है, गहराई से विचार किया जाए तो प्रसाद भी अमृत की तरह है, चरणामृत है, पुरुष को मिले तो वहीं पी जाता है, स्त्री को मिले तो घर तक जाता है। पिताजी कथा सुनने गए तो प्रसाद मिला तो वहीं खाए पिए दोनों फेंक के चल पड़े, पर माँ कथा सुनने गई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर भर के लोगों को प्रसाद न मिले, चरणामृत तो माँ ही पिलाती है, ध्यान रहे। इसलिए भगवान का यह 13वां अवतार है, 14वां अवतार नृसिंह के रूप में खंभे का भेदन करके भगवान नृसिंह बन कर गया। सत्यम विधातम निजभृत्य भाजितम व्याप्तिम च भूतेषु गिरीषु चात्मना। भगवान का 15वां अवतार वामन के रूप में, 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, और 17वां अवतार व्यास रूप के, व्यास जी के रूप में, व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, और 18वां अवतार भगवान राम के रूप में। भागवतकार कह रहे भगवान राम 18वां अवतार क्यों लिए, पहले समुद्र पर बंधन करने के लिए भगवान राम अवतार, और कुछ भी नहीं स्मरण किया, केवल इतनी बात कही सेतु बंध के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। समुद्र पर सेतु बांधना कोई सामान्य बात है, सब लीला में अगर सबसे आश्चर्य वाली कोई लीला है राम लीला में तो सेतु बंधन है, समुद्र पर सेतु बांधा है। पर प्रश्न उठता है किसके लिए बांधा, तो भगवती सीता के लिए बांधा है। भगवान ने समुद्र के साथ दो कार्य किया, समुद्र बंधन भी किया है और समुद्र मंथन भी किया है, ध्यान रहे। समुद्र मंथन क्यों किया था, क्योंकि लक्ष्मी जी मिल गए, और सीता जी कौन है, साक्षात लक्ष्मी जी ही सीता है, और जब वे दूर चली गई तो सेतु बंधन कर दिया। मंथन और बंधन दोनों के केंद्र में अगर कोई है तो भगवती सीता है, इसलिए भगवान राम बारहवां अवतार हुआ। 20वां अवतार कृष्ण के रूप में, 19वां अवतार बलराम के रूप में, 20वां अवतार कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार हरि के रूप में, 22वां अवतार हंस के रूप में, 23वां 24वां कलयुग में होगा। एक अवतार बुद्ध अवतार हो चुका है, कल की अवतार की प्रतीक्षा है, ऐसा नहीं पहली बार हो रहा, इसके पूर्व वाले कलयुग में भी कल की अवतार हो चुका है, ये भगवान आते रहते हैं हर युग में, पता नहीं कितनी बार भगवान राम अवतार धारण किए। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, भगवान राम इसलिए रामायण शतकोटि अवतार, करोड़ों रामायण है हमारा, क्योंकि भगवान कभी कभी लीला परिवर्तन भी कर देते हैं। एक रामायण में ऐसी भी जिसने रावण को भगवती सीता ने मारा, उसका उद्धार स्वयं भगवती ने स्वयं अपने हाथों से किया है, किसी कल्प में ऐसी कथा नहीं होगी, इसलिए कोई आपको बतावे तो उसमें हर्ज नहीं है। कल्प भेद से तो बहुत बहुत सी बातें निकल करके आती हैं, हाँ कल्प भेद से तो यह भी बात निकल करके आती है, श्रीमद् बाल राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी बताओ, 3 थी ना, भगवती कौशल्या, भगवती कैकेयी, भगवती सुमित्रा, पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान की 350 माताएं थी, ये 3 प्रमुख थी, बाकी और थी, और एक पुराण के अनुसार तो राजा दशरथ के 700 विवाह हुए थे, इसलिए जब मिथिला में भगवान गए तो मिथिलानियां खूब गरियाई भगवान को, कहें कि भैया इनकी 700 माताएं हैं, पिता कितने हैं, बोले दशरथ, तो माने एक रथ ने उनके पास दशरथ, इसलिए हो सकता है उनका नाम दशरथ हो, तो एक रथ पर कितनी माताएं बैठती होंगी इनकी, कितनी माताएं बैठती होंगी, एक पर तो 70 बैठेंगी तब तो होगा ना, 700 हो जाएगी, महाराज ऐसे ऐसे हैं इनके पिताजी एक रथ पे साथ 70-70 पटरानियों को बिठाते हैं, ऐसा भी भगवान के साथ है। भगवान यही तो भारत भूमि की महिमा है, भारत का अप्रतिम आनंद यही है, जहाँ ब्रह्म को भी
गालियां पड़ जाती हैं, गालियां पड़ जाती हैं। प्रेम की यही तो अंतस्थल की प्रस्तुति है, यही तो उसकी शोभा है। तो भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान हंस ये सब अवतार, कल की अवतार की प्रतीक्षा। पापाचार अनाचार दुराचार रहेगा तब भगवान का कल की अवतार होगा। इन्हीं सब अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में है। तो ये भागवत जी का निर्माण कैसे हुआ? बोले इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, या ब्रह्म संहित है, वेद संहित है और श्री वेद व्यास भगवान की कृति है। उत्तम श्लोक चरितम भगवान चकार भगवान ऋषि, और उन्होंने अपने पुत्र को इसको पढ़ाया है। व्यास जी ने जगत के कल्याण के लिए भागवत जी का प्रणयन किया और अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। एक तो यह बात नहीं समझ में आ रही कि व्यास जी ने भागवत जी का प्रणयन कब किया, और आप कह रहे हैं कि शुक को पढ़ाया। शुक तो पैदा होते ही जंगल चले गए, तुम्हारे भागवत कैसे पढ़ ली? हम यह जानना चाहते हैं। व्यास जी महाराज बैठे एक दिन विचार कर रहे हैं, भविष्य दृष्टा ऋषि है, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए किन परिस्थितियों में भागवत जी का निर्माण हुआ। व्यास जी आश्रम में बैठे हैं। व्यास जी का आश्रम कहाँ जानते हैं आप लोग? की नहीं आ, नहीं जानते। बद्रीनाथ के ऊपर माणा गांव के पास में सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर व्यास जी का आश्रम है। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर, उसी पश्चिम तट पर व्यास जी महाराज विराजमान रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे, ब्रह्म नदी सरस्वती जी वहीं से पैदा हो रही है, उत्तम स्थल है। बद्रीनाथ कभी जाएं तो वहां देखें, व्यास जी का दिव्य स्थान है, व्यास गुफा है। वहीं बैठे थे, बड़े उदास बैठे थे। उदास व्यक्ति कब होता है? जब वो कुछ कर ना पाया हो, तो सोचता है कुछ कर नहीं पाए हैं, निराश उदास। उदास शब्द के भी अर्थ बदल गए। उदास शब्द बहुत गहरा शब्द है। उदास उसको नहीं कहते हैं जो केवल अपने दुख से चेहरा लटका ले, उसको कहते उदास। नहीं नहीं, उदास उसको नहीं कहते। उदास की बड़ी गंभीरता है। उदास माने वो संसार से विरक्त हो गया हो और भगवान में जिसने चित्त लगा लिया उसका मन। तो वहां बैठे थे, मन में थोड़ा सा संदेह, अनमना सा मन है। क्यों? क्योंकि जगत का कल्याण कैसे होगा, कलिकाल के लोगों का कल्याण कैसे होगा, कुछ किया जाए? नहीं, कर लिया है, किया क्या जाए? तो अब तक क्या किया कल्याण के लिए आपने, कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए, और अपने कल्याण के लिए क्या किया? मेरे अब तक हमने 17 पुराणों की रचना कर दी है, वेदों का विभाजन कर दिया है, एक वेद को 4 भागों में बांट दिया है, पढ़ करके उनका उद्धार हो गया, और तपश्चर्या आदि का प्रणयन कर दिया है कि लोग तपश्चर्या करके अपना कल्याण कर लेंगे। पर कोई कलिकाल में तपश्चर्या कर सकता है? ईमानदारी से बताना, है कोई हमारे शरीर में सहन शक्ति? जरा से गर्मी लग जाए तो बेचैन, जरा से ठंडी लग जाए तो बेचैन, न भूख बर्दाश्त हो रही है, न प्यास बर्दाश्त हो रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं साधना? हमारे जीवन में कहां तपश्चर्या है? व्यास जी महाराज दुखित हैं, वेदों का विभाजन किया, ऋग्वेद अथर्व वेद पढ़ करके लोग अपना कल्याण कर लेंगे, फिर भी मन अशांत है। सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्री शूद्र द्विजबंधुना श्रुति गोचरा, स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब आजकल इस पर बहुत बहस चली है कि महाराज हमको वेद पढ़ने से वंचित कर दिया गया, हमको तो चाहते हैं कि हम मूर्ख बने रहें, उनकी सेवा करें। मूर्ख बनाना नहीं है, मूर्ख बनाने के लिए नहीं कहा गया है, पढ़ो, पर जो कहा गया है वह पढ़ो। शास्त्र की बात है, शास्त्र बड़े निरपेक्ष होते हैं, वे किसी से किसी को देख करके नहीं लिखे जाते हैं। पंडित की भाषा में या सामान्य लोगों की भाषा में और ऋषि की वाणी में अंतर होता है। सामान्य लोगों की भाषा लोगों को प्रसन्न करने वाली होती है, पर ऋषि की वाणी सत्य बोलने वाली होती है, उससे आप प्रसन्न हो और चाहे अप्रसन्न हो। अब कुछ लोग आजकल ऋषियों की वाणी से अप्रसन्न है, कुतर्क कर रहे हैं। आप अप्रसन्न रहो, उससे कोई उनको हर्ज पड़ने वाला है नहीं। वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे, उससे आपके अप्रसन्न होने का काम। सामान्य लोग जैसे हम मोहल्ले में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, भैया किसी के यहाँ दरवाजे पर साइकिल मत खड़ी करना, देखो कोई नाराज न होने पावे, कोई बुरा न लगने पावे, सबको प्रसन्न करते रहते कि नहीं करते रहते। लेकिन सरकार क्या है, उसका मन हुआ तो सबका तोड़ देती है, चाहे तुम खुश हो चाहे नाराज हो, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। सादत गंज से लेकर के और ढेर नया घाट तक तोड़ दिया,
चिल्लाते रहे लोग, चिल्लाते रहो, तुम्हारे चिल्लाने से तो सरकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। उसने मन बना लिया है, उसको जो करना है सो करे। शास्त्र और ऋषि ऐसी है, आप के प्रसन्नता के लिए शास्त्र नहीं लिखे गए हैं। कौन चाहता है कि हमारा पेट फाड़ा जाए? आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके कष्ट को अगर ध्यान में दे दें हम, आपकी प्रसन्नता को केंद्र में रख दे आ डॉक्टर, तो आपका पेट फाड़ करके आपको ठीक कर सकता है। तो कहता है कि आपको पीड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दीर्घकालिक आराम मिलेगा। वेद शास्त्र जिसको मना किया गया है वह न पढ़े, जिसके लिए जो कहा गया है वही करे। जरूरी नहीं है वेद शास्त्र पढ़ने के लिए अगर स्त्रियों और शूद्रों को मना किया गया तो ब्राह्मणों के लिए भी बहुत सी चीजें मना की गई है, ब्राह्मण भी उसका अनुपालन करें, ध्यान दें। लेकिन वेदों को अर्थ, वेदों के अर्थ को ही महाभारत के रूप में रख दिया। इति भारत व्याख्यानम कृपया मुनिना कृतम्। ध्यान रहे, वेदों के ज्ञान को महाभारत के रूप में रख दिया। इसको पढ़ करके ज्ञान से वंचित नहीं किया, पर प्रक्रिया से ज्ञान लेना है, किस प्रक्रिया से ज्ञान लेना है इसका तो निर्धारण उन्होंने किया है। दवा एक ही प्रक्रिया से बालक और वृद्ध और युवा को दे दिया जाए तो क्या लाभ होगा? टेबलेट बच्चा ले सकता है, बच्चे को दवा देने की एक अलग प्रक्रिया है, वृद्ध को दवा देने की एक अलग प्रक्रिया है। जो चेतन है, जो चैतन्य है, जो होश में है उसको देने दवा देने की अलग प्रक्रिया है, जो बेहोश है उसको दवा देने की अलग प्रक्रिया है। बस इतनी सी बात है, कोई समझना नहीं चाहता है। बस लोगों को लग रहा है ये तो सब जाति वाचक शब्द है, इनको तो अलग करने देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। जातियां तो माने जाति तो शोभा है ना, जाति शोभा है, जातिवादी नहीं होना चाहिए। जाति तो आम की जाति है, फल की जाति है, आलू की कितनी प्रजातियां होती हैं, चावल की कितनी जातियां होती हैं। अब तो मोहन भागवत जी जैसे ज्ञान संपन्न लोगों ने कह दिया कि जातियां पंडितों ने बनाई है, बताओ अब उनको कौन बतावे कि जातियां हमने नहीं बनाई है। चावल की कितनी जाति है बताओ, गेहूं की कितनी जाति है, आम की एक ही आम कितने जाति के होते हैं, और ये अच्छा भी है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है। एक ही जाति का नाम पूरे सीजन भर दिया जाए आपका मन भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? एक दिन आप लंगड़ा लाते हो, एक दिन चौसा लाते हो, एक दिन दशहरी लाते हो, एक दिन देशी लाते हो, और यही सारे लेते रहते तो आनंद है। और जातिवादिता तो थी ही नहीं, छुआछूत था ही नहीं, कहाँ छुआछूत था, हमारे यहाँ तो अंदर तक प्रवेश था सबका, छुआछूत तो पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया, ऐसा हमारे यहाँ तो कहीं नहीं था, हम तो सबका प्रवेश कराते। भगवान राम ने केवट को गले लगा लिया, कहाँ छूत छुआ छुआछूत, और भगवान राम कह रहे हम क्षत्रिय मृगया बन कर रही, हम क्षत्रिय हम मृगया करते हैं, तो क्या हम भगवान को बताने गए थे कि आप क्षत्रिय हो, आपको क्षत्रिय जाति के हो? कितना लोग ये राजनीति के चक्कर में पता नहीं कितना तोड़ेंगे ये लोग, कितने लोगों को लड़ाएंगे। अब हम क्या करें, अब हमको तो इतना ही मन में आता है कि पहले उनको फूट डालो राज करो। ये सिद्धांत तब भी क्षत्रिय चरितार्थ था, आज भी चलता है। पहले हिंदू मुसलमान हुआ, अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर दिया, सवर्ण और नीचे की जातियों को लड़ाया, अब सवर्णों में भी ब्राह्मण क्षत्रियों को लड़ाएंगे। बस फुल अपना उल्टू सीधा कर रहे हैं, देवता बांट दिए, परशुराम ब्राह्मणों के भगवान है, राम क्षत्रियों के, देवता भगवान बांट दिया लोगों ने। किसी क्षत्रिय के यहाँ परशुराम जी की फोटो लगी देखी आपने? क्या परशुराम जी भगवान नहीं है? परशुराम जी केवल क्षत्रियों को मारा ही है, इसके अलावा अगर दूसरी लाइन कोई क्षत्रिय बता दे तो हम जाने, परशुराम जी की माँ का नाम पता है, न पिता का नाम पता है, न उनकी कोई अनुकृति, न चर्चा, न परचर्चा, केवल बस विरोध में मनोमस्तिष्क में बैठ गया है। और सभी क्षत्रियों को मारा भी ना, सब क्षत्रियों को कहाँ मारा है, एक क्षत्रिय के चरणों में ही उन्होंने अपना सर रखा है, वह राम है, राम भी तो क्षत्रिय है, यह क्यों क्षत्रिय भूल जाते हैं? और तो और जो वैश्य है वह भी अपने को शूद्र कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कितनी बढ़िया शोभा है भगवान का वह चित्र, आपको याद है कि नहीं याद है? आपका वह चित्र एक पीपल के पत्ते पर भगवान की बाल रूप की छवि है, जिसमें भगवान ने अपने कर कमल से चरण कमल को पकड़ करके अंगूठे को मुख कमल में डाल रखा है। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। यानी मुख क्या है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण है मुख,
ब्राह्मणस्य मुखमासीत कहा गया वेदों में। ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहां से हुई? मुख से। क्षत्रियों की भुजाओं से। वैश्यों की कटिक प्रदेश से। शूद्रों की